वीडियो बनाई हुई है कि अगर हमें ये पता होता तो हम कनाडा ना आते, वो पता होता तो कनाडा ना आते। तो मुझे ये कनाडा आना किन लोगों को चाहिए, हम यहाँ पे नहीं चलेगा। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में अब अगर आपने 8 घंटे जॉब करनी और आपने मेहनत नहीं करनी तो भी आप कनाडा में पैसे नहीं बना सकते। जो कुछ थे आप पाकिस्तान में थे, कनाडा में आप कुछ नहीं हो। कनाडा में आप बिल्कुल न्यू इमिग्रेंट हो, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। तो पड़ेगी एटलीस्ट शुरू के 2 साल, उसके बाद आपको रिटर्न आना शुरू होगा। अगर आप अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार मैं ना यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था तो काफ़ी वीडियोस में ऐसा था कि लोगों ने वीडियो बनाई हुई है कि अगर हमें ये पता होता तो हम कनाडा ना आते, वो पता होता तो कनाडा ना आते। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार आप लोगों को ये बताऊँ कि आपको कनाडा किन लोगों को आना चाहिए और क्या माइंडसेट लेके आना चाहिए। तो जी टाइम ज़्यादा किए बगैर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जी कनाडा आना किन लोगों को चाहिए। तो जी कनाडा उन लोगों को आना चाहिए जो पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रहे हैं, नंबर वन, जो बेसिकली जो मिडिल क्लास है, ठीक है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, इन दोनों को ज़रूर आना चाहिए कनाडा। जो अपर मिडिल क्लास है उसकी अपनी मर्ज़ी है। अब वो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अब उस पर आते हैं कि यार आपको कनाडा आते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए, तब आप कनाडा में सक्सेसफुल हो सकते हो। जी सबसे पहली चीज़ है जी, पाकिस्तान की तरह यहाँ पे आपका मुफ्ता बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। पाकिस्तान में आपके फुलके लगे हुए हैं, जिन लोगों का लगा हुआ है वो लगा हुआ है, बस चल रहा है, वो निज़ाम यहाँ पे नहीं चलेगा। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में अगर आप $500-$700 कमाते हो तो आप बहुत अच्छा गुजारा कर सकते हो, ठीक है। इवन अगर आप रेंट भी कर रहे हो तो भी आप बहुत अच्छा घर रेंट करके आप बहुत अच्छा लाइफस्टाइल $700 में इन्जॉय कर सकते हो। कनाडा का ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, $700 आपका एक मंथ का रेंट चला जाएगा अगर आपने एक रूम रेंट पे लिया हुआ है तो, ठीक है। कैलगरी की बात कर रहा हूँ कि कैलगरी में अगर आपने एक रूम भी रेंट करना है तो आपको $600-$700 में एक रूम मिलेगा, पूरा घर भी नहीं मिलेगा। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, आप हो, आपकी वाइफ है और आपके एक या दो बच्चे हैं, तो आपको 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट चाहिए होगा या बेसमेंट चाहिए होगी, तो वो बेसमेंट आपको कम अज़ कम $1500 से $1800 में वो पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ साथ आप गाड़ी लोगे, आपकी ग्रॉसरी का खर्चा होगा और सारे खर्चे मिला के आपका $3500 से $4000 हर महीने खर्चा होगा। तो इसका मतलब है कि आपको 3500 से 4000 से ज़्यादा बनाने पड़ेंगे तो आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो, पहली ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जी, आपके 3500-4000 आएंगे कहाँ से? लोगों का बहुत, आप लोग क्या करते हो, आप फेसबुक खोलते हो, गूगल करते हो, कहीं से भी लाइक किसी भी मीडियम से आप इनकम निकालते हो कि यार इनकम कितनी है, लाइक $20 घंटे की, $25 घंटे की मिल रहे हैं, आप उसको फ़ौरन 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर $25 मिल रहे हैं आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यार ये तो $6000-$7000 बना रहे हैं, $8000 बना रहे हैं। भाई ऐसे नहीं है, अगर किसी को $20 मिल रहे हैं तो उसको 40 वर्किंग आवर्स मिलते हैं, जिसका मतलब है $800 हफ्ते के बनेंगे, तो महीने के बने $3200। अब इसमें से टैक्स कटना है, अभी इसमें से टैक्स नहीं कटा। जब इसमें से टैक्स और सारा कुछ कट कटा के आपको मिलेगा कुछ $2400-$2500। ये भी उस वक्त जब आप लोग 5 डेज अ वीक और हर रोज़ 8 घंटे काम कर रहे हो, तब आपको तकरीबन $3200 एक बंदे को मिलेगा। तो टेक्निकली आप दोनों को काम करना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ दोनों को। तो आप दोनों काम करोगे तो आपका $6000-$6500 बनेगा, देन आप कुछ सेव कर सकते हो। अब अगर आप उन जॉब्स में जाते हो, जैसे मैं ट्रकिंग में आया हूँ या और भी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर आप $6000-$7000 हर महीने कमा सकते हो, तो अगर आप उन जॉब्स में जाते हो तो उनकी अपनी डिमांड्स हैं, अपनी सेक्रीफाइस हैं, हर बंदा नहीं करता। लेकिन मतलब जो ऊबर भी चलाते हैं वो कहने को 6000 बना रहे हैं, लेकिन जब कट कट आके आप उसका मंथ एंड देखोगे सारे खर्चे वगैरह निकाल के, तो उनको यही 4000 बचता है एक बंदे को। तो अगर आप लोग दोनों मिल के काम करोगे तो फिर आपको पैसे बनेंगे। अब अगर आपने 8 घंटे जॉब करनी और आपने मेहनत नहीं करनी तो भी आप कनाडा में पैसे नहीं बना सकते। अगर आपने मेहनत करनी है तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़ ये माइंड में रखनी है कि आप जॉब से यहाँ कुछ नहीं बना सकते। जॉब से कभी किसी बंदे ने किसी कंट्री में कुछ नहीं बनाया। अगर आपको कुछ बनाना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आप और यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है यार, पाकिस्तान की तरह नहीं है आप उधर से NOC लो, उधर से NOC लो, या आप बगैर NOC लिए इलीगल काम कर लो, ऐसा यहाँ पर सीन नहीं है। घर बैठे बिठाए आपकी एंटिटी रजिस्टर हो जाती है, आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाता है, और आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से या लाइक $4000-$5000 से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हो, ठीक है।
और अगर आपको लोन भी चाहिए होता है या ग्रांट भी चाहिए होती है तो गवर्नमेंट उसमें भी सपोर्ट करती है अगर आप पीआर हो तो। तो ये माइंडसेट सबसे पहली चीज़ जो आपको चेंज करनी है वो ये चेंज करनी है कनाडा आने के लिए कि यार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। आप जो कुछ थे आप पाकिस्तान में थे, कनाडा में आप कुछ नहीं हो, कनाडा में आप बिल्कुल न्यू इमिग्रेंट हो, आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको सारी मेहनत ज़ीरो से करनी पड़ेगी। मैं सबसे ज़्यादा जो वीडियो देख रहा था जो डिसअपॉइंटमेंट वाली थी वो पाकिस्तानियों की थी, वो इस वजह से थी क्योंकि पाकिस्तान की इलीट क्लास ही कनाडा आती है, दूसरी तो बेचारी अफोर्ड ही नहीं कर सकती क्योंकि स्टडी पे तो वो आ नहीं सकते। पीआर का पाथ उन्हें पता कोई नहीं था, अभी उन्हें पता चलना शुरू हुआ है तो अभी वो हमारी मिडिल क्लास आना शुरू हुई है। किसी भी मिडिल क्लास की आप ऐसी वीडियो नहीं देखोगे कि जी मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कनाडा आके, मुझे ये नहीं पता था। भाई अगर आपके वहाँ पर अच्छा निज़ाम चल रहा है तो आप बिल्कुल कनाडा नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और जो हमारी इलीट क्लास है काम उनका उनकी मौत है, उनको मौत नज़र आता है यार मेहनत करना, वो लोग बिल्कुल मेहनत नहीं कर सकते। मेहनत कौन करता है? मेहनत वो करता है जो पिस रहा होता है या जो मुश्किल में होता है, वही मेहनत करता है। जो वहाँ पे आसाइश की आराम की ज़िंदगी गुजार रहा है वो यहाँ के क्यों मेहनत करेगा? तो ये बात अपने जहन में रखिएगा कि अगर आप एक मिडिल क्लास से हैं, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, तो फिर आप लोगों को, आप पाकिस्तान में मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है वहाँ भी नौकरी करके कुछ नहीं बनता, तो आप यहाँ पे आएंगे, आप पहले नौकरी करेंगे और इवेंचुअली आप अपना बिज़नेस सेट कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि यार आपने एक दो फील्ड ही देखी, आपको जो फील्ड कंफर्टेबल लगती है आप वो उसमें बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ये रख के आना कि भाई आपको यहाँ पे पहले दो साल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत का फल आपको फिर आगे तीन चार साल में मिलेगा। और उसके साथ साथ ये है कि जो कुछ आप यहाँ पर कमा रहे हो उसको आप साथ साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। कैसे? अगर आप अपना घर ले लेते हो और आप अपने घर में पैसे डाल रहे हो ओवर द टाइम, तो वो भी आपका एसेट अप्रिशिएट होता है। क्योंकि घर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग घर को ही प्रेफर करते हैं, वो स्टॉक मार्केट में या बाकी चीज़ों में पैसा डालना पसंद नहीं करते। तो आप घर में भी अगर डालते हो पैसा या आप यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाई करते हो तो आप कर सकते हो विद लाइक 5% डाउन पेमेंट दे के आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। मैं रैपअप इसी बात पर करूँगा कि अगर आपका अच्छा निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में, किसी भी मुल्क में चल रहा है, जहाँ पे आप अपने आपको समझते हो कि यार आप सेटल्ड हो, तो बिल्कुल कनाडा नहीं आओ, वहीं पे रहो, वहाँ पे आप सेटल्ड हो तो ठीक है, कोई चक्कर नहीं, कनाडा नहीं आओ। और अगर कनाडा आना है तो ये बात जहन में रख के आना कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, आप मतलब लाइक बिल्कुल आप रॉक बॉटम से स्टार्ट कर रहे हो और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एटलीस्ट शुरू के दो साल, उसके बाद आपको रिटर्न आना शुरू होगा। अगर आपका ये माइंड है कि यार आप कनाडा लैंड होंगे और अगले दिन से आप 10-12 लाख या 15-20 लाख रुपया सेव करना शुरू कर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अपना माइंड क्लियर करके आएँ, ये चीज़ें आपको पहले पता हों कि यार कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इवन दुबई एंड पाकिस्तान। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।